रामविलास शर्मा को बीजेपी ने बना दिया हरियाणा का आडवाणी। बीजेपी ने काट दिया टिकट, अब क्या करेंगे रामविलास शर्मा? लिस्ट से पहले ही भर आए थे रामविलास शर्मा पर्चा। बीजेपी ने कर दी दिग्गज नेता की वीरान माटी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हर रोज कुछ न कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो जबरदस्त चर्चाओं में बनी हुई है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस की टिकटों के लिए अंत तक नेताओं को इंतजार करना पड़ रहा है। इतना इंतजार कि कईयों ने तो लिस्ट के आने का भी इंतजार नहीं किया और अपना पर्चा तक वो भराए। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से बीजेपी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की आशंका लगाई जा रही थी कि बीजेपी इस बार उनका टिकट काट देगी, और कुछ ऐसा ही हुआ। अब जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें रामविलास शर्मा का नाम शामिल नहीं है। अब बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा की जगह कंवर यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, रामविलास शर्मा एक दिन पहले ही अपना नामांकन भर आए थे। शायद रामविलास शर्मा को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि पार्टी जो फाइनल तीन लोगों की लिस्ट जारी करेगी उसमें उनका नाम शामिल होगा। तो वही नायब सिंह सैनी ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि रामविलास शर्मा नाराज नहीं है और उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन अब फाइनल लिस्ट से उनका नाम उड़ा दिया गया है। अब सवाल ये है कि रामविलास शर्मा, जो कि हरियाणा में बीजेपी के उन नेताओं में शामिल है जब बीजेपी का हरियाणा में कोई नाम लेने वाला भी नहीं था और वो झंडा उठाकर सबसे आगे रहते थे, तो क्या बीजेपी ने बिल्कुल रामविलास शर्मा के साथ वैसे ही किया जो आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी ने किया था? अपने ही बड़े और दिग्गज नेता को साइडलाइन बैठाकर बीजेपी आखिरकार क्या संदेश देना चाहती है? लेकिन इस सब के बीच अब देखना ये होगा कि रामविलास शर्मा का अगला कदम क्या रहता है। क्या वो अपने नामांकन को वापस लेंगे या फिर निर्दलीय ही चुनाव के मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।